हेलो फ्रेंड, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे, परफेक्ट तरीके से बनाएंगे मोहन थाल बनाएंगे, वो भी हम दानेदार एंड सॉफ्ट मोहन थाल बनाएंगे। तो दानेदार एंड सॉफ्ट मोहन थाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये लक्ष्मी का रेडीमेड लड्डू का आटा मैंने यूज़ किया है। तो ये लड्डू का आटा है वो हम लड्डू में भी यूज़ कर सकते हैं एंड मोहन थाल में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आटा है वो ददरा जैसा आता है, करकरा जैसा आटा आता है। जो ये आटा आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये घर पे चना दाल को चक्की में पीस लीजिए, ददरा जैसा पीस लीजिए, तो उसका मोहन थाल भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये परफेक्ट जो मोहन थाल बनाना है तो ये ददरा आटा यूज़ करें, ये जो बारीक वाला आटा मिल रहा है बेसन का वो यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये बाउल में हम ये आटा को छान लेते हैं। तो मैंने 1 कप भर के मैंने ये आटा लिया है। तो ये आटा है एकदम ददरा जैसा है, तो उसकी वजह से मोहन थाल ही एकदम दानेदार बनता है। मोहन थाल में एंड बेसन के लड्डू में वही आटा यूज़ होता है, और घर पे भी ये आटा आप आराम से बना सकते हो। चक्की में ये चना दाल को पीस लीजिए ददरा जैसा, तो ये आटा तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 2 कप बेसन को मैंने छान के रेडी कर लिया है। तो अब हम उसमें डालेंगे मोइन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना घी लिया है, तो पहले मैं 1 टेबल स्पून जितना डाल देती हूँ, उसके बाद में 1 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ मिल्क डाल रही हूँ। तो ये मिल्क है वो नॉर्मली है, ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आटा में ज़्यादा मोइन नहीं डालना है, क्योंकि ये आटा है वो करकरा जैसा, करकरा मतलब ददरा जैसा आटा है, तो ज़्यादा मोइन डालना नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा जो घी है वो भी हम डाल देते हैं। तो ये 2 कप आटा में मैंने 2 टेबल स्पून घी एंड 1 टेबल स्पून मिल्क डाला है, तो बस उतना ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और एकदम कनी कनी टाइप हो जाएगा। तो ये आटा को हम फिर से नहीं छानेंगे, पहले हमने छान के ही रेडी कर लिया था, तो हम फिर से नहीं छानेंगे। तो अच्छे से हम एकदम स्मूथ आटा को तैयार कर लेते हैं, लम्स वगैरह उसमें नहीं रखना है। तो हमारा ये आटा रेडी है। तो दूसरी साइड मैंने मोहन थाल में डालने के लिए खोया लिया है, तो 1 कप लिया है खोया लिया है। तो सबसे पहले हम ये खोया का पाउडर बना लेते हैं, एकदम बारीक वाला पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खोया को मैंने एकदम बारीक बारीक मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये खोया को हम 1 कप में भर लेते हैं। तो हम 2 कप बेसन का आटा यूज़ करेंगे, 1 कप हम खोया यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने 1 कप मैंने भर लिया है। तो ये खोया को अच्छे से पाउडर बना लीजिए। तो ये हमारा बेसन का आटा भी रेडी है और हमारा खोया भी रेडी है। तो चलिए हम मोहन थाल बनाना शुरू कर देते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दिया है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे घी डालेंगे। तो मैंने 1 कप लिया है घी लिया है, तो पूरा का पूरा मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं रखूंगी, 2 टेबल स्पून जितना मैं घी रखूंगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना घी बचा के रखा है, तो हम ये घी में डाल ही देते हैं, बेसन का आटा डालेंगे। तो 2 कप ये है बेसन का आटा है। तो गैस की फ्लेम अभी हाई है, हाई फ्लेम पर मैं ये बेसन एंड घी को मिक्स कर रही हूँ। कंटिन्यू ये हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये आप इस तरह से छोड़ देंगे तो ये बेसन है वो जल भी सकता है। तो हाई फ्लेम पर मैं कंटिन्यू में मिक्स करने वाली हूँ। कम से कम हम ये बेसन एंड घी को हम 7 से 8 मिनट के लिए हम चलाएंगे, तब जाके ये बेसन है वो लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट में ये हो ही जाता है, तो 7 से 8 मिनट के लिए हम चलाते रहना है।
उसमें खुशबू भी आने लगती है और हाथ है वो हम जो हिलाते हैं बेटर को, तो हाथ भी हल्का जैसा होने लगता है, तो हमको पता चल ही जाता है कि ये बेसन है वो रोस्ट हो चुका है। तो देखिए हमारा ये बेसन है वो एकदम फूल रहा है, तो हमारा हाथ भी हल्का सा जैसा होने लगा है, तो हमारा ये बेसन रोस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। तब जाके हम उसमें डाल देते हैं ये खोया, ला लेंगे तो 1 कप मैंने लिया है, ये खोयल है। खोयल डालते टाइम मैंने गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया है, लो फ्लेम पर ये खोयल को डालना है, नहीं तो ये बेसन है वो जल जाएंगे। तो गैस की फ्लेम अभी लो है, लो फ्लेम पर हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो ये खोया डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा खोया 1/3 कप जितना एक्स्ट्रा है वो मैं डालने वाली हूँ। तो मिक्स करने के बाद में ये 1/3 कप जितना खोया है वो मैं डाल देती हूँ। तो अब ये खोया को इस तरह से एकदम बारीक बारीक पाउडर बना लीजिए, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा। खोया डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो 2 टेबल स्पून जितना मैंने बचा के रखा है घी, वो हम डाल देंगे। तो घी डाल के हम कंटिन्यू हम ये बेसन को फिर से हम 5 से 6 मिनट के लिए फिर से हम मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम है, मीडियम पर हिलाना है, हाई फ्लेम पर ये बेसन को नहीं हिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें खोया डाल दिया है, तो खोया की वजह से ये नीचे जल जाएंगे। तो कंटिन्यू हम उसको मीडियम फ्लेम पर हम चलाते रहना है। तो हमने अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, हमारा ये बेसन एंड ये खोया है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो टोटल मैंने ये खोया को मैंने 7 मिनट तक मैंने मिक्स किया है, टोटल ये बेसन एंड खोया को मैंने 7 मिनट के लिए मैंने मिक्स किया है। तो पहले हमने 8 मिनट के लिए मिक्स किया था घी एंड बेसन को, और उसके बाद हमने खोया डाला है, खोया डालने के बाद मैंने फिर से 7 मिनट के लिए मैंने मिक्स किया है। कढ़ाई है वो हम गैस के ऊपर से नीचे ले लेते हैं। टोटल ये बेसन एंड खोया को हमने 15 मिनट के लिए हमने घी के साथ हमने चलाया है। तो अभी हम उसमें डालेंगे 1/2 स्पून जितना इलायची पाउडर है वो डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करके हमें कढ़ाई अभी गर्म है तो कंटिन्यू फिर से हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे, ताकि ये बेसन है वो ना जले। तो हम कंटिन्यू फिर से 1 मिनट के लिए चलाते रहना है। तो मैंने अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम ये बेसन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी साइड हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, मोहनथाल में डालने के लिए हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो एक कढ़ाई में हम डालेंगे शुगर डालेंगे। तो मैं 2 कप बेसन के सामने में 1 कप डाल रही हूँ शुगर, और उसके बाद 1 कप खोया के सामने में 1/2 कप ऐड कर रही हूँ शुगर। तो टोटल में ये मोहनथाल में 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट मोहनथाल बनेगा। तो 1.5 कप शुगर के सामने मैंने 1/4 कप डाला है, पानी डाला है। तो ये मैंने जो शुगर यूज़ किया है वो पाउडर शुगर है। तो 1.5 कप शुगर एंड 1/4 कप पानी है। तो अब हम हाई फ्लेम पर हमें शुगर को मेल्ट कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर ये फटाफट शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये शुगर सिरप कैसा तैयार करना है, 2 तार की चाशनी तैयार करना है, ताकि ये मोहनथाली है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो थोड़ा सा हम एक प्लेट में ड्रॉप्स डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ड्रॉप्स डाल के ये ड्रॉप्स है वो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से ड्रॉप्स नीचे आए तो समझ लीजिए कि हमारा ये सिरप रेडी नहीं है। तो और हम शुगर सिरप को गाढ़ा बनाएंगे। तो मैंने फिर से मैंने हाई फ्लेम पर मैंने मिक्स कर लिया था। तो फिर से हम एक डिश में हम ड्रॉप्स डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये शुगर सिरप की चाशनी बनाने में टाइम हुआ है, हाई फ्लेम पर मैंने रखा था, तो 6 मिनट में ये हमारी चाशनी हमारी तैयार हो गई है। 6 मिनट लगा है तो ये हमारी चाशनी रेडी है। तो बस हमारा ये शुगर सिरप होने लगा है। तो हम गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। तो ये कढ़ाई है वो हम गैस के ऊपर से हम ले लेते हैं। तो फिर से हम एक ड्रॉप डाल के आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये ड्रॉप डाल के ये ड्रॉप से वो नीचे नहीं आ रहा है। तो बस इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी ये
चाशनी हमारी एकदम रेडी है। तो बस ये शुगर सिरप की चाशनी एकदम गाढ़ी रखना है, इस तरह से रखेंगे तो ये मोहनथाल को सेट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये शुगर सिरप ठंडा हो गया है तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम ये बेसन में डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, तो हम एक चम्मच से हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा शुगर सिरप नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बचा के रखूंगी। आप अपना हिसाब से शुगर सिरप को ऐड कर सकते हो जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। तो अभी ए वाला जो स्टेप है वो एकदम मेन है। शुगर सिरप डालने के बाद तुरंत हमको कंटिन्यू 2 मिनट के लिए कंटिन्यू हिलाना है, उसकी वजह से आपका जो मोहन थाल है एकदम सॉफ्ट बनेगा। जब तक ये बेसन में से घी है वो अलग ना हो जाए तब तक हम कंटिन्यू हिलाएंगे। तो आप देख सकते हो वो ये बेसन में से घी है वो अलग हो रहा है, तो घी है वो निकल रहा है। तो समझ लीजिए कि हमारा परफेक्ट, हमारा मोहन थाल के लिए हमारा ये बेटर रेडी है। ये जो घी निकल रहा है वो आपको निकालना है तो भी निकाल सकते हो, ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये घी है वो नहीं निकाल रही हूँ, ये इस तरह से ही मैं ये बेटर में डाल रही हूँ। आप चाहे तो ये घी को निकाल सकते हो, इजी से निकल जाता है। तो उसके ऊपर हम पिस्ता डालेंगे, तो ये ऑप्शनल है, पिस्ता डालने की वैसे ही मोहन थाल में जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं गार्निशिंग के लिए मैं पिस्ता में डाल रही हूँ। पिस्ता डाल के हम थोड़ा सा चम्मच से दबा देते हैं, उसके बाद हम ये मोहन थाल को कट कर लेते हैं। शुगर सिरप को मैंने थोड़ा सा बचा के मैंने रखा है, पूरा का पूरा मैंने नहीं डाला है। कट करने के बाद ये मोहन थाल को मैं सेट होने के लिए रखने वाली हूँ, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही हम रूम टेम्परेचर पर हम रखेंगे। तो ये मोहन थाल को हम लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 1 महीना तक ये मोहन थाल है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छे से घी के साथ सेक लीजिए तो ये मोहन थाल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये मोहन थाल है वो हम गाठिया के साथ, इन बारीक सेव के साथ भी हम खा सकते हैं। तो सारी की सारी रेसिपी मैंने शेयर किया है, आप जरूर देख सकते हो। फाफड़ा की, गाठिया की और एकदम बारीक सेव की भी रेसिपी मैंने डाली है। तो लीजिए हमारा ये मोहन थाल है वो सेट हो चुका है। 1 घंटे में ही हमारा मोहन थाल जम के तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वेदर है वो ठंडा है, तो ठंडी में ये 1 घंटे में सेट हो जाता है, डिपेंड करता है कैसा वेदर है। तो ये मोहन थाल जो मैंने बनाया था तभी ये वेदर है वो एकदम ठंडा है, तो ठंडी की वजह से ये मोहन थाल 1 घंटे में सेट हो गया है। तो ये मोहन थाल को हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, वैसे ही हमने पहले कट तो लगा लिया था, तो फिर से हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये मोहन थाल है एकदम दानेदार एंड एकदम सॉफ्ट बना है। तो बस ये मोहन थाल को सॉफ्ट बनाना है, तो जो हमने शुगर सिरप डालने के बाद हमने जो स्टेप बताया था उसको जरूर फॉलो करना, तो ये मोहन थाल एकदम सॉफ्ट बनेगा और एकदम दानेदार बनेगा। तो हमने शुगर सिरप डालने के बाद मैंने कंटिन्यू मैंने 2 मिनट के लिए मैंने एकदम हाई स्पीड पर मैंने मिक्स किया था, तो ये बेसन में से घी भी छूटने लगा था कि निकल जाए। तो तब समझ लीजिए कि हमारा ये बेटर परफेक्ट रेडी है। तो बस इस तरह से बना के जरूर ट्राई करना। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हो। मेरी जो दूसरी चैनल है संगीता अजवाल हेयर स्टाइल करके, उसको भी आप जरूर देख सकते हो, उसमें भी आपको नया नया वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।